हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी गुड टॉपिक, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये वीडियो बहुत ध्यान से और आराम से आप सुनिए, समझिए, एंड आई प्रॉमिस वंस दिस वीडियो गेट्स कंप्लीटेड यू कैन अटेम्प्ट एनी ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड फ्रॉम BRS, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले BRS क्या होता है, कैसे होता है, उसको समझने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। नोट्स आप प्लीज़ साथ साथ बनाते रहें, नोट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए देखिए, हमें पता है बिजनेस के अंदर, बिजनेस में हम कैश बुक मेंटेन करते हैं। क्या मेंटेन करते हैं बेटा? कैश बुक मेंटेन करते हैं। अब बिजनेस के अंदर जो हम कैश बुक मेंटेन करते हैं, आपको पता है वो कैश बुक तीन तरह की होती है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम कैश बुक। वेरी गुड। जो सिंगल कॉलम कैश बुक होती है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती है, गलत तो नहीं बोल रहा मैं। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं कैश एंड डिस्काउंट की ट्रांजेक्शन्स। सर हम तो कैश और बैंक रिकॉर्ड करते हैं डबल कॉलम में, आप ये क्या लिख रहे हो कैश एंड डिस्काउंट? प्रैक्टिकली बेटा डबल कॉलम में कैश एंड डिस्काउंट ही आती हैं, बट आप अपनी थियोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी सिर्फ क्लास 11th में, जो बच्चे CA के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं वो तो ध्यान ही रखें कैश एंड डिस्काउंट ट्रांजेक्शन, बट क्लास 11th के अंदर कुछ किताबों में लिखा होता है कैश एंड बैंक, और स्कूलों में भी वैसा पढ़ा दिया जाता है, तो आप उसे रखो। बट प्रैक्टिकली डबल कॉलम में कैश एंड डिस्काउंट ट्रांजेक्शन्स आती हैं, और ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर हम तीन ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, कैश ट्रांजेक्शन्स, डिस्काउंट ट्रांजेक्शन्स एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स। ये तीन तरह की ट्रांजेक्शन जो हैं वो ट्रिपल कॉलम में रिकॉर्ड की जाती हैं। तो कैन आई से, जो ये मेरा मकसद था इसके पूरा बताने के पीछे वो ये था, कैन आई से कि बिजनेस के अंदर जो बैंक की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जितनी भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझ में आनी चाहिए कि बिजनेस के अंदर सारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स कहाँ रिकॉर्ड होती हैं? इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ये आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए, जो हम अपनी बैंक की ट्रांजेक्शन अपने बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, सेम डेटा इज ऑल्सो मेंटेन्ड बाय बैंक्स। वही डेटा बैंकिंग ट्रांजेक्शन का बैंक्स भी मेंटेन करते हैं, और बैंक्स जो उस डेटा को मेंटेन करते हैं उसकी एक कॉपी वो प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को कि भैया हमारे पास आपकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स का ये हिसाब किताब चल रहा है, और वो जो कॉपी वो कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं उसको आप बोलते हैं पासबुक। क्या बोलते हैं आप उसको? पासबुक। मतलब सपोज़ मैं बैंक हूँ, आप अपनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स मेरे साथ करते हैं, तो आप अपने पास तो उसका लेखा जोखा जो रखते हो रखते हो, मैं भी उसका पूरा हिसाब किताब रखता हूँ, और जो मैं हिसाब किताब रखता हूँ उसकी एक कॉपी आपको प्रोवाइड करता हूँ, जिसको हम नाम देते हैं क्या? पासबुक। ठीक है, पासबुक बोल सकते हैं या बैंक स्टेटमेंट भी हम इसे बोलते हैं, बैंक स्टेटमेंट। एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताऊं, बैंक अकाउंट्स, अगर आपको पता हो बैंक अकाउंट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका सेविंग्स और एक होता है आपका करंट। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है, सेविंग्स एंड करंट। तो जो सेविंग्स हैं उस अकाउंट को खोलते हैं हाउस होल्ड, इसमें थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जबकि करंट अकाउंट जो होता है वो होता है बिजनेस के लिए, जितने बिजनेस हैं वो करंट अकाउंट अपने नाम से खोलते हैं, सेविंग जो है वो नेचुरल पर्सन के नाम से खुलता है, बिजनेस के नाम पे करंट अकाउंट खुलते हैं। तो जो करंट अकाउंट्स होते हैं ना उसकी जो कॉपी प्रोवाइड की जाती है उसको बोला जाता है बैंक स्टेटमेंट,
और जो सेविंग्स अकाउंट की कॉपी प्रोवाइड की जाती है टेक्निकली उसके लिए वर्ड यूज़ होता है क्या, पासबुक। तो ये बस मतलब एक जो टेक्निकल डिफरेंस है वो ये है, बट आजकल लोग इंटरचेंजेबली इसको यूज़ करते हैं तो वी डोंट हैव एनी इशू। वैसे मैंने आपको बता दिया करंट अकाउंट की जो स्टेटमेंट होती है उसके लिए यूज़ करते हैं बैंक स्टेट कॉपी के लिए बैंक स्टेटमेंट, और सेविंग्स अकाउंट की कॉपी के लिए भी यूज़ पासबुक। चलिए, तो वही डेटा जो है मैंने आपको बताया बैंक भी मेंटेन करता है। तो कायदे से जो मेरी बुक्स में दिख रहा है वही किसकी बुक्स में दिखना चाहिए, वही बैंक की बुक्स में दिखना चाहिए, यस सुनो। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो पाता, जो ट्रांजेक्शन्स मेरी बुक्स में रिफ्लेक्ट कर रही हैं माइट बी वो एज इट इज़ बैंक की बुक्स में रिफ्लेक्ट ना कर रही हो। अब ऐसा क्यों बेटा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने अभी आपको क्या बोला, देयर मे बी अ सिचुएशन, बेटा नोट्स बनाते रहो साथ साथ, देयर मे बी अ सिचुएशन दैट कैश ट्रांजेक्शन्स दैट बैंक ट्रांजेक्शन्स as appearing in cash book may not be same as appearing in passbook or you can say bank statement। समझ में आ रहा है बेटा मेरी बात? अब ऐसा क्यों, इसके कारण मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले आपको पूरे बैंकिंग सिस्टम को समझना पड़ेगा। अगर आपको बैंकिंग सिस्टम की नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ अब ज़रा थोड़ा इसको समझिए कि बैंकिंग सिस्टम ऑपरेट कैसे करता है, तो आपको ये लाइन समझ में आएगी कि क्यों कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं कि जो ट्रांजेक्शन मेरी कैश बुक में दिख रही है वो शायद पासबुक में या बैंक स्टेटमेंट में ना दिखें। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया, देखिए कौन सी ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने आ सकती है, अब उसकी बात करते हैं। मैं एक बड़ा ही प्यारा सा सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, उससे बेटा आपको सारी बातें समझाता हूँ, बड़े ध्यान से देखिए। सपोज हमारे एक मिस्टर ए हैं, ठीक है, मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए ने एक चेक इशू किया, चेक इशू किया मतलब आप समझो एक चेक दिया मिस्टर बी को, मिस्टर ए ने एक चेक इशू किया मिस्टर बी को, तो कैन आई से मिस्टर बी रिसीव्ड द चेक, मिस्टर बी को चेक रिसीव हुआ। सपोज ये चेक इशू हुआ 1st of August 2017 को, जिसको मिस्टर बी ने भी रिसीव किया ऑब्वियसली ऑन द सेम डेट, ठीक है बेटा। तो होगा क्या, द मोमेंट मिस्टर ए विल इशू द चेक, जैसे ही मिस्टर ए चेक को इशू करेंगे सेम डे दैट इज ऑन 1st of August 2017 ही विल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, वो उसी दिन इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, आराम से एकदम रिलैक्स होके, कोई जल्दी नहीं है, ही विल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन कहाँ पर, कैश बुक, कैश बुक में कहाँ पर सर, बैंक कॉलम में, कहाँ पर बैंक कॉलम में, समझ में आ रही है बात, बैंक कॉलम में वो इस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, वेरी गुड, अब इनको चेक मिला है रिसीव द चेक, तो ये कहाँ रिकॉर्ड करेंगे सर, ये भी अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ पर बैंक कॉलम में, और किस साइड, डेबिट साइड, क्यों चलो बताओ सर, इनके पास पैसा आ रहा है, इनका पैसा जा रहा है, तो ये किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड, वेरी गुड। अब हुआ क्या, मिस्टर बी को चेक मिल गया, मिस्टर बी एकदम निकम्मे आलसी मेरी तरह, वो इस चेक को, ये जो चेक उन्हें मिला है ये उसको डिपॉजिट करते हैं बैंक में,
डिपॉजिटेड इन बैंक, ओहो गंदी राइटिंग आने लग गई ना, चलो डिपॉजिटेड इन बैंक, वो उसको डिपॉजिट करते हैं बैंक में ऑन से 5th of August, 5 अगस्त 2017 को वो उसे बैंक में जमा करते हैं। अब बैंक में जमा होने के बाद बेटा 3 दिन जनरली लगते हैं, वैसे दिल्ली में अब 2 डेज में भी हो जाता है, 1 से 3 डेज आपको बैंक में जमा हो गया वो चेक। कौन सा चेक? जो मिस्टर बी को मिला था, किससे? मिस्टर ए से, वो डिपॉजिट हो गया। अब डिपॉजिट होने के बाद बैंक विल टेक 1 to 3 days, बैंक जो है 1 से 3 दिन का समय लेता है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूं, सुन के मज़ा आएगा। होगा क्या, एक्चुअली ये जो चेक आपने मिस्टर बी ने अपने बैंक में डाला है, से उनका बैंक है HDFC, ठीक है, और ये मिस्टर ए का बैंक है ICICI, ठीक है, ये बैंक ICICI। अब HDFC के पास उन्होंने अपने बैंक में जाके चेक डाल दिया, एक स्लिप होती है उसको भरा जाता है, चेक की डिटेल्स उस चेक के साथ लगा के वहाँ उन्होंने डाल दी, डिपॉजिट कर दिया, उसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, HDFC बैंक का एक क्लियरिंग सिस्टम होता है, हर बैंक का एक अपना क्लियरिंग सिस्टम है। वो क्या करते हैं, उस चेक को स्कैन करते हैं, स्कैन करके वो चेक जो है कंसर्न बैंक को फॉरवर्ड किया जाता है, बेसिकली RBI को फॉरवर्ड किया जाता है, और RBI से फिर कंसर्न बैंक को फॉरवर्ड, मतलब वो HDFC उस चेक को स्कैन करेगा, और स्कैन करके वो चेक की कॉपी किसको भेजी जाएगी, ICICI को, ICICI उसको क्रॉस वेरीफाई करेगा कि मिस्टर ए के अकाउंट में इतना बैलेंस है, या चेक पे जो सिग्नेचर दिख रहे हैं उन्हीं के हैं, ठीक है। सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद मिस्टर ए के अकाउंट से वो ICICI पैसा निकाल देगा और HDFC को दे देगा, और HDFC जो है वो पैसा किसको दे देगा, मिस्टर बी को। तो ये स्कैन करना, उसको मेल के थ्रू ICICI को भेजना, फिर उनका वेरिफिकेशन प्रोसेस, फिर उसके बाद पैसा मिस्टर बी के अकाउंट में आना, तो दिस विल टेक टाइम, जिसमें 1 to 3 डेज हमारा लग जाता है। तो सपोज आई सेड चेक क्लियर्ड ऑन 8th of August 2017, मैंने आपको बोला कि चेक जो है बेटा वो हमारा क्लियर हुआ कब, 8 अगस्त 2017 को। अब ये समझो मैंने जो वर्ड लिखा है ना, चेक क्लियर हुआ, चेक क्लियर होने का मतलब बता सकते हो मुझे, अच्छे बच्चे हो बताओ, चलो सर चेक क्लियर होने का मतलब है कि अमाउंट फ्रॉम मिस्टर एज अकाउंट is transferred to Mr. B's account. अकाउंट जो है वो मिस्टर ए के अकाउंट से निकल के ट्रांसफ़र हो गया किसके, मिस्टर बी के अकाउंट। अब एक बात बताओ, ये जो हुआ वो कब हुआ बेटा, 8 अगस्त को। तो बैंक का जो डेटा अपडेट होगा वो कौन सी डेट को होगा भाई, जिस दिन चेक मिला, बैंक को तो सपने आए ही नहीं कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को चेक दिया है, जिस दिन चेक डिपॉजिट हुआ उस दिन भी कोई फॉर्मेलिटी नहीं हुई, जब 8 अगस्त को क्लियरिंग हो गई उस दिन मिस्टर ए का जो बैंक है और मिस्टर बी का जो बैंक है दोनों अपने डेटा अपडेट करेंगे, मिस्टर बी का बैंक उसका बैलेंस बढ़ा देगा और मिस्टर ए का जो बैंक है उनका बैलेंस कम कर देगा, यही सिचुएशन होगी या नहीं होगी। तो कैन आई से बैंक विल अपडेट द डेटा ऑन 8th of August, दैट इज आफ्टर क्लियरिंग, समझ में आई बात, आफ्टर क्लियरिंग बैंक जो है वो 8 अगस्त को क्लियर करेंगे, मतलब 8 अगस्त को क्या होने वाला है, ऑन 8th of August मिस्टर बीस पासबुक विल रिफ्लेक्ट द इंक्रीज इन बैलेंस, यस और नो, वेयर एज मिस्टर एज पासबुक
will reflect the fall in balance. Yes or no? तो आप एक चीज समझो, अगर आप पूरी चेन समझ पाए, 1 अगस्त को चेक इशू हुआ, 1 अगस्त को, 5 अगस्त को डिपॉजिट हुआ और 8 अगस्त को जाके उसकी क्लियरिंग हुई. ये हुई क्लियरिंग. यस और नो? ये इस दिन क्या हुआ था? डिपॉजिट. और इस दिन चेक इशू हुआ था. यस और नो? तो इस दौरान जिस दिन चेक इशू हुआ उस दिन ट्रांजैक्शन आ गई कैश बुक में, बट जिस दिन चेक क्लियर हुआ उस दिन ट्रांजैक्शन आई पासबुक में. तो बताओ 1 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक बैलेंस जो है मिसमैच करेगा, हाँ या ना? समझ रहे हो? बैलेंस मिसमैच करेगा किसका? कैश बुक का एंड पासबुक का. समझ में आई मन? तो आपको मेरी ये वाली लाइन समझ में आ रही होगी. देर मे बी अ सिचुएशन दैट बैंक ट्रांजेक्शन एज अपियरिंग इन द कैश बुक मे नॉट बी सेम एज अपियरिंग इन पासबुक. तो आपको ये मेरी बात समझ में आती है कि बैलेंस कैसे मिसमैच करता है. अब BRS का मकसद क्या होता है, अब मैं आपको समझाता हूँ. बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, पूरे 16 मिनट 38 सेकंड की वीडियो शूट करने के बाद BRS का मतलब अब आपको समझ में आएगा. ध्यान से समझना बेटा. आज अगर आपने ये वीडियो पूरी शिद्दत से और कॉन्सेंट्रेशन से देख ली, चैलेंज करता हूँ 5 साल बाद भी BRS बनाओगे ना तो आप भूल नहीं सकते कि BRS कैसे बनानी है. ध्यान से समझो, अभी बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा इसके अंदर और नोट्स प्रॉपर बनाना. चलो अब आगे. तो BRS क्या करता है, BRS का मकसद क्या होता है? पहली चीज, BRS एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है. एक पर्टिकुलर डेट पे हम BRS बनाते हैं. जनरली ये बनती है या तो मंथली वैसे बनती है, जैसे हमारे बिजनेस में भी मंथली हम बनाते हैं, या क्वार्टरली अगर बहुत छोटे बिजनेस हैं तो, ठीक है, या कई बार ईयरली भी बनाई जाती है. मंथली कैसे मर्जी बना लो. तो एक पर्टिकुलर डेट पे मंथ एंड में, क्वार्टर एंड में, ईयर एंड में बनाई जाती है. और हम क्या करते हैं, इसके अंदर ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई होती हैं, कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस है जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मिसमैच हो रहा है. ट्रांजैक्शंस आर आइडेंटिफाइड which are creating difference between पासबुक, पीबी मतलब पासबुक, एंड कैश बुक. ऐसी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है. वो आपको नहीं करना, आप लोगों के लिए तो क्वेश्चन में ही गिवन होती है. तो कैश बुक पासबुक रख के उन सारी ट्रांजेक्शन का लेखा जोखा निकाला जाता है. और होती क्या है वो ट्रांजेक्शन, जैसे 31 मार्च को बना रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना. अब 31 मार्च को BRS बन रही है, तो होगा क्या, जो चेक 30 तारीख को डला होगा, 30 मार्च को जो चेक डला होगा, क्या वो 31 मार्च को क्लियर हो गया होगा? 3 दिन तो कम से कम लगते हैं. तो ट्रांजेक्शन डिफरेंस आने वाला है, येस और नो? तो ट्रांजेक्शन आर आइडेंटिफाइड विच आर क्रिएटिंग द डिफरेंस बिटवीन पासबुक एंड कैश बुक. और हम क्या करते हैं, हम वो ट्रांजेक्शन्स आइडेंटिफाई करके हम एडजस्टमेंट करते हैं और एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं कि दैट बोथ द बैलेंस अपियरिंग एट देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस आर एब्सोल्यूटली करेक्ट. मतलब ध्यान से समझना, थोड़ी सी टेक्निकल बात बोल दी मैंने आपको. एडजस्टमेंट्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट दैट बोथ द बैलेंसेस आर करेक्ट एट their respective places. मतलब क्या करते हैं बेटा, जैसे हमने कोई भी बैलेंस स्टार्ट कर देंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक कुछ भी ले लेंगे, पासबुक ले लो या कैश बुक, और उस बैलेंस, जैसे बैलेंस एज पर कैश बुक हमारे पास गुवन, तो उसमें हम प्लस माइनस कुछ एडजस्टमेंट करेंगे. कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा अभी. जो भी है, जैसे आपने चेक इशू किया हुआ है, तो चेक इशू किया हुआ है
या आपने डिपॉजिट किया हुआ है, कुछ भी एडजस्टमेंट हो सकती है। जैसे अभी आपने देखा, एक ने इशू किया, दूसरे ने डिपॉजिट किया हुआ है, तो ऐसी जितनी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको एडजस्टमेंट करेंगे और देखेंगे कि अगर ये ट्रांजेक्शन्स ना होती या इन ट्रांजेक्शन्स के इफ़ेक्ट को एलिमिनेट कर दिया जाता है तो क्या बैलेंस एज पर पासबुक आ रहा है। मतलब एक तरह से मेरे पास एक पूरा चिट्ठा तैयार हो जाता है कि इस डेट पर ये ट्रांजेक्शन्स हैं जिसकी वजह से कैशबुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं हो रहा, और अगर इन ट्रांजेक्शन्स के इफ़ेक्ट को मैं हटा दूं तो कैशबुक और पासबुक दोनों अपनी जगह ठीक हैं, दोनों में कोई गड़बड़ियां नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हम BRS में क्या करते हैं, वी आर प्रिपेयरिंग अ स्टेटमेंट Either starting from cash book or we are starting from passbook and adjusting certain transactions and trying to show that both the balances are correct. कैश बुक अपनी जगह ठीक है, पासबुक अपनी जगह ठीक है, ये तो कुछ ट्रांजेक्शन्स आ गई, इसके इफेक्ट को अगर हम हटा दें तो आप देखोगे दोनों चीज़ें अपनी जगह एकदम ठीक है। तो आपको मेरी यहाँ तक बात समझ में आती है। अभी ट्रांजेक्शन्स एडजस्टमेंट कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको BRS का मतलब समझ में आ चुका है, बैंकिंग सिस्टम समझ में आ चुका है पूरा का पूरा मैंने आपको जो समझाया, और आपको ये समझ में आ चुका है कि कैश बुक वगैरह कितने टाइप्स होते हैं। अब ध्यान से समझिए, देखो जब हम कैश डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में, कैश, ये सेकेंड कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अगर हम बैंक में कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो इससे होता क्या है, हमारे एसेट बढ़ने, तो मतलब बिजनेस के एसेट्स बढ़ने, तो बिजनेस उसे अपनी बुक्स में क्या करता है बेटा, सर डेबिट करता है। बट जब आप कैश बैंक में डिपॉजिट करवाते हो ना बेटा, एट द सेम टाइम बैंक जो है ना, बैंक की लायबिलिटी बढ़ जाती है। कैसे सर? भाई एक बात बताओ, मैंने बैंक में पैसा जमा करवाया 10,000 रुपीज जाके, उसे मैं एनी टाइम विड्रॉ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? आई कैन विड्रॉ इट एनी टाइम। तो बैंक के लिए वो पैसा जो बैंक में पैसा जमा हो रहा है, बैंक के लिए एक तरह से क्या है, लायबिलिटी है। तो बैंक जो मैं पैसा बैंक में जमा करवाता हूँ, मैं बिजनेस अपनी बुक्स में डेबिट करेगा, बट क्योंकि बैंक की लायबिलिटी बढ़ रही है तो बैंक उसे अपनी पासबुक के अंदर क्या करके दिखाएगा, क्रेडिट करके दिखाएगा, क्योंकि बैंक की लायबिलिटी बढ़ रही। बात समझ में आनी चाहिए आपको मेरी। जब भी हम कैश बैंक में जमा कराते हैं, हम अपनी कैश बुक में उसे क्या करते हैं, डेबिट, जबकि पासबुक में वही चीज़ क्या होती है, क्रेडिट। तो आप ले देके एक बात ये समझो कि अगर उसने आपको बोला कैश बुक इज डेबिटेड, कैश बुक इज डेबिटेड, तो इससे आपको क्या मतलब समझ में आता है कि बिजनेस जो है उसका कैश, सॉरी, उसका जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ गया, जो आपका बिजनेस है उसका बैंक बैलेंस बढ़ गया, हाँ या ना। अगर लिखा जाता है पासबुक इज क्रेडिटेड, समझ गए, इसका मतलब बैंक ने अपने पास बैंक बैलेंस बढ़ा लिया, बैंक ने अपने पास बैंक बैलेंस बढ़ा दिया। कैशबुक डेबिट हुई मतलब बिजनेस ने अपने पास बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, और पासबुक क्रेडिट हुई, जो चीज़ हम डेबिट करेंगे पासबुक उसको क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, ठीक है। और दोनों का मतलब क्या होता है, एक तरह से कि बैंक बैलेंस क्या हो रहा है सर, बढ़ रहा है, समझ में आ गया। ये हो गया मेरा फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट, कैश बुक इज क्रेडिटेड, कैश बुक क्रेडिट हो रही है। अब कैश बुक क्रेडिट हो रही है मतलब असेट कम हो रहे हैं। भाई कैश बुक कब क्रेडिट करते हो, जब असेट कम हो रहे हैं। कैश बुक का मतलब यहाँ पे मेरा बैंक कॉलम ही है, ठीक है। तो मतलब बिजनेस ने अपना बैंक बैलेंस क्या कर लिया,
कम कर लिया, ठीक है। और अगर लिखा हुआ है पासबुक इज डेबिटेड, अब देखो अगर मैं जाऊं और बैंक से कैश निकाल लूं तो मेरा बैंक बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया तो मैं उसे अपनी बुक में क्या कर दूंगा, क्रेडिट करूंगा, यस और नो, असेट कम हो रहे। बट एट द सेम टाइम बैंक की लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। और बैंक की लायबिलिटी कम हो गई तो बैंक अपनी बुक्स में क्या करेगा, बैंक की लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, तो बैंक उसे अपनी बुक्स में क्या करेगा बेटा, डेबिट। मतलब पासबुक इज डेबिटेड, इसका मतलब बैंक ने, इसका मतलब बैंक ने बैंक बैलेंस, बैंक ने बैंक बैलेंस कम कर ली। तो जो चीज बिजनेस अपनी बुक में डेबिट करता है पासबुक में क्रेडिट होती है, और जो चीज कैश बुक के अंदर क्रेडिट होती है पासबुक के अंदर डेबिट होती है। क्यों, मैंने आपको बता दिया, कोई चीज अगर हमारे लिए असेट है तो बैंक के लिए लायबिलिटी है, हमारे असेट बढ़ रहे हैं। इसकी समरी तैयार करें, एक छोटी सी समरी, ये इंपॉर्टेंट है। पासबुक, पासबुक क्रेडिट हुई मतलब बैंक बैलेंस बढ़ गया, पासबुक डेबिट हुई मतलब बैंक बैलेंस कम हो गया, कैश बुक डेबिट हुई मतलब बैंक बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक क्रेडिट हुई बैंक बैलेंस कम हो गया। समझ में आया, हाँ या ना? अच्छा, अब ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी। और ऐसा क्यों, क्योंकि पासबुक में बैंक के लिए वो लायबिलिटी और कैश बुक में एसेट है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो असेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो कैन आई से कैश बुक बैलेंस एज पर कैश बुक, जो डेबिट होगा, मतलब बैलेंस एज पर कैश बुक जो डेबिट होगा वो बैलेंस एज पर पासबुक क्या होगा बताओ, क्रेडिट होगा। और कैश बुक का बैलेंस है डेबिट, मतलब कैश पड़ा हुआ है, तो कैन आई से इट्स अ फेवरेबल बैलेंस, समझे मतलब, या पॉजिटिव बैलेंस। भाई कैश बुक के अंदर डेबिट बैलेंस है, मतलब क्या होता है इसका, कि हमारे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, बैंक में पैसे पड़े हुए हैं तभी तो मेरी कैश बुक में असेट दिख रहा है, बैंक बैलेंस दिख रहा है। और बैंक के लिए क्या है, वो लायबिलिटी, तो पासबुक में क्या दिख रहा होगा, उतना क्रेडिट, कैश बुक में क्या दिख रहा होगा, डेबिट। और ये इसी को हम बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस या पॉजिटिव बैलेंस। एज पर कैश बुक अगर क्रेडिट है, बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट है, मतलब सर, हाँ ध्यान से समझो बेटा, जो करंट अकाउंट होता है ना, जो बिजनेसमैन खोलते हैं उसके अंदर उनको एक फैसिलिटी मिलती है ओवरड्राफ्ट की। कौन सी फैसिलिटी मिलती है बेटा, ओवरड्राफ्ट की। ओवरड्राफ्ट के अंदर क्या होता है कि बिजनेसमैन के पास ये चीज़ अलाउड होती है कि जितना पैसा उसने बैंक में जमा करवा रखा है उससे ज़्यादा इमरजेंसी की सिचुएशन में विड्रॉ किया जा सकता है। ओवरड्राफ्ट मतलब एक्सेस ऑफ विड्रॉन ओवर डिपॉजिट्स, कि हमने विड्रॉ ज्यादा किया है, डिपॉजिट्स कम है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट। अब ध्यान से समझना, होता क्या है, सपोज अब मेरे बैंक में 10,000 रुपये पड़े थे, मैंने एक 12,000 का चेक दे दिया, बैंक ने उसे क्लियर कर दिया, मेरे पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी थी, तो हुआ क्या, मेरा 2,000 रुपये नेगेटिव बैलेंस चला गया, मेरा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा हुआ, मेरा बैंक बैलेंस नेगेटिव है, उल्टा मैंने बैंक को देने हैं, तो मेरे लिए क्या हुई, लायबिलिटी। तो मैं अपनी बुक्स में, कैश बुक में उसे क्या करूँगा, क्रेडिट करूँगा। क्यों, क्योंकि मेरे लिए क्या हो चुकी है, ये लायबिलिटी, बैंक को पैसे मिलने हैं, तो बैलेंस एज पर पासबुक क्या होगा, वो डेबिट होगा। और ये मेरे लिए एक क्या है, अनफेवरेबल बैलेंस है। क्यों,
बैंक को पैसा देना है, अनफेवरेबल बैलेंस बोलो या बोलो ओवरड्राफ्ट है। तो आपको ये मेरी कहानी समझ में आती है अच्छे से, ये हमेशा ध्यान रखना, आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। एक ये याद रखना है आपको, और एक आपको ये मेरा बैंकिंग सिस्टम प्यारा वाला याद रखना है। दो बातें आपको ध्यान रखनी है, कैश बुक डेबिट है मतलब बिजनेस ने अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, पासबुक क्रेडिट हो रही है इसका मतलब बैंक बैलेंस बढ़ गया, पासबुक डेबिट हो रही है बैंक बैलेंस कम हो गया, कैश बुक डेबिट हो रही है बैंक बैलेंस क्या कैश बुक क्रेडिट हो रही है बैंक बैलेंस कम हो गया। जो बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट है वो बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट होगा। क्यों होगा पता है, यहाँ पर एसेट है यहाँ पे लायबिलिटी है, फेवरेबल बोलते हैं पॉजिटिव। बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट है, उल्टा मैंने बैंक को पैसे देने हैं, देने हैं मतलब मेरे लिए लायबिलिटी है, बैंक को पैसे मिलने हैं उसके लिए एसेट है, तो वो एज पर डेबिट होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस, ओवरड्राफ्ट या नेगेटिव बैलेंस। समझ में ही मत। अब सारी राम कहानी मैंने आपको जितनी सुनानी थी बहुत अच्छे से सिखा दी है। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ हाउ टू प्रिपेयर BRS, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट BRS के। अब जो मुझे एक बैकग्राउंड चाहिए था वो सारा ख़त्म हो चुका है, अब मैं आपको BRS सिखाने जा रहा हूँ कि BRS कैसे बनता है। अब मुश्किल से 5 मिनट और लूँगा आपके और आपको BRS सिखा दूँगा, ध्यान से समझना। अब मेरा एजेंडा क्या स्टार्ट होता है, हाउ टू प्रिपेयर BRS कैसे बनाना है। बड़े सिंपल से दो फंडामेंटल सिखाऊंगा, ध्यान से समझना। पहला फंडामेंटल बहुत मुश्किल है मजाक कर रहा हूं, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है तो हमें निकालना है बैलेंस एज पर पासबुक। देखा कितना मुश्किल था, पहला फंडा, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है तो वी हैव टू फाइंड आउट बैलेंस एज पर पासबुक, और अगर बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है तो वी हैव टू फाइंड आउट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो पहला फंडा आपको समझ में आता है, इफ बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन वी हैव टू फाइंड आउट बैलेंस एज पर पासबुक एंड वाइस वर्सा मतलब इसका अपोजिट। अगर पासबुक का बैलेंस गिवन है तो हमें किसका निकालना होगा, फिर कैश बुक का। पहला फंडामेंटल, दूसरा फंडामेंटल, और उसके बाद BRS खत्म, ब्लास्ट दी एंड। ध्यान से समझना, पहला फंडामेंटल कुछ नहीं था, सेकंड ध्यान से देखो, जब लिखूंगा तब कुछ समझ में नहीं आएगा, दो एग्जांपल करा दूंगा उसके बाद समझ में आएगा, और जैसे ही वो एग्जांपल समझ में आ गए समझ लो BRS खत्म, उठा के जो मर्जी क्वेश्चन रैंडम बेसिस पे स्टार्ट कर देना। वट एवर वी हैव टू फाइंड आउट, वट एवर वी हैव टू फाइंड आउट, आराम आराम से प्यार प्यार से लिखो, एज्यूम इट टू बी करेक्ट। अब ये आपने कौन से दोहे लिख दिए सर, क्योंकि दोहे तो हमें समझ में कभी आए नहीं, ये भी एक तरह का दोहा ही लिख दिया आपने फिर। वट एवर वी हैव टू फाइंड आउट, एज्यूम इट टू बी करेक्ट, मतलब पहले इतना पढ़ना फिर इतना पढ़ना। वट एवर वी हैव टू फाइंड आउट, एज्यूम इट टू बी करेक्ट, अब इसका क्या मतलब है, लेट अस टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल इन दिस दी एंड ऑफ BRS, ध्यान से समझो। सपोज आपको बैलेंस गिवन है एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है आपको 10,000, ठीक है बेटा, और आपको बोला चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड रुपीज 3,000, 3,000 का चेक इशू हुआ बट क्लियर नहीं हुआ। दूसरा, चेक डिपॉजिटेड ऑफ रुपीज 5,000 नॉट क्लियर्ड, ठीक है चलो आगे लिख देता हूँ, बैंक क्रेडिटेड
रुपीज 1000 एज इंटरेस्ट। चलो एक और लिख दूं, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड रुपीज 500 फ्रॉम बैंक। अब ध्यान से समझ लो क्या है ये, कैसे बी आर एस बनेगी। देखो पहले तो फॉर्मेट बना लो, बी आर एस, ये आ गया ऐसे ऐसे, ये आपको आता है सारा ड्रामा, प्लस माइनस पर्टिकुलर्स, ठीक है बेटा। आपने लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना लिखा 10,000, क्यों प्लस में लिखा बताओ, कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम उसे फेवरेबल बैलेंस मानते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, बस एक ट्रांजेक्शन समझाऊंगा, अगली तीन आपसे पूछूंगा। मुझे एक बात बताओ, बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000 है, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है तो मुझे क्या निकालना है, बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि जो गिवन है उसका अपोजिट निकालना है। तो कैश बुक गिवन है, क्या निकालना है, बैलेंस एज पर पासबुक। कहता है चेक इशू हुआ पर क्लियर नहीं हुआ, आराम से रिलैक्स हो जाओ, आराम से सोचेंगे, चेक इशू हुआ बट क्लियर नहीं हुआ, चेक इशू हुआ, आप सोचो चेक इशू होते के साथ ही एंट्री कहाँ रिकॉर्ड हो जाती है। सर चेक इशू होते के साथ ही हम एंट्री सबसे पहले कैश बुक में डाल देते हैं। अब मना मत करना भी सिखाया था पूरा का पूरा, इसलिए सिखा रहा था ताकि समझ में आए। चेक इशू होते ही एंट्री सबसे पहले किस में चली जाती है बताओ, कैश बुक में। ये मेरी कैश बुक है, ठीक है, कैश बुक, सी कैश बुक, ठीक है। इस अब मेरी सबसे पहले एंट्री फिर कहाँ जाती है, कैश बुक के अंदर। कैश बुक चेक इशू हो गया मतलब मैंने कैश बुक में एंट्री कर दी, कैश बुक क्या कर दी होगी कम, बट नॉट क्लियर, क्लियर नहीं हुआ, ये मेरी पासबुक है। आप एक बात बताओ, क्लियर नहीं हुआ तो क्या पासबुक में एंट्री गई, पासबुक में एंट्री नहीं गई। चेक इशू हुआ, चेक इशू होते के साथ ही कैश बुक का बैलेंस कम हो गया बट पासबुक का बैलेंस कम नहीं हुआ, पासबुक अपनी जगह है, ठीक है। अब बताओ किसको ठीक मानना है, सर ठीक मानना है पासबुक को। ये क्या है, आपको ये मेरी सिचुएशन समझ में आ रही है, पता है कितना दर्द हो रहा है हाथों में, चलो समझा रहा हूँ फिर भी। चेक इशू हुआ, कैश बुक कम हो गई, पासबुक अभी कम नहीं हुई, क्यों, क्योंकि अभी क्लियर नहीं हुआ है, पासबुक ये है कैश बुक है। अब ध्यान से समझो क्या बोल रहा है, वट एवर वी हैव टू फाइंड आउट अज्यूम इट टू बी करेक्ट। बताओ यहाँ पर कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो किसका निकालना है, पासबुक का, पासबुक कौन सी है, ये इसको माना हुआ है ना पासबुक मैंने, इसको ठीक मानो, ये अपनी जगह पर रहेगा, अब ये यहीं रहेगा, तो ये कैश बुक है, कैश बुक को पासबुक को ठीक मानना, ये अपनी जगह पर रहेगा, ये कैश बुक है तो इसको ऊपर उठाना पड़ेगा बराबर लाने के लिए, ऊपर उठाने का मतलब प्लस करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, 3000 रुपीज़ इसमें क्या कर दोगे ऐड। समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दूसरी ट्रांजेक्शन समझो वो समझ में आएगी। कैश डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड 5000 नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिट होते के साथ ही एंट्री कहाँ हो जाती है बताओ, सर चेक डिपॉजिट होते के साथ ही एंट्री हो जाती है कैश बुक में, तो कैश बुक मेरी बढ़ गई, ये मेरी कैश बुक है, कैश बुक मैंने बढ़ा दी, मैं हाथ वात नहीं दिखा रहा, मैं दर्द हो रहा है, हाँ कैश बुक मैंने 5000 रुपये से बढ़ा दी, ठीक है 5000 से, बट क्या पासबुक बढ़ी, नो सर पासबुक अभी नहीं बढ़ी, पासबुक अपनी जगह पर ही है, क्यों, क्योंकि चेक अभी क्लियर नहीं हुआ। अब एक बात बताओ, जो निकालना है उसको ठीक मानेंगे, ठीक किसको माने, सर पासबुक को ठीक मानेंगे, ठीक है, क्यों पासबुक को ठीक क्यों मानेंगे, क्योंकि वट एवर वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। अब इसको ठीक मानेंगे और ये पाँच बड़ा हुआ है, अब इसको ठीक मानेंगे तो ये अपनी जगह पर रहेगा, जिसको ठीक मानना है वो अपनी जगह पर रहेगा, तो इसको इसके बराबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैश बुक ज़्यादा है, कैश बुक ज़्यादा है, पासबुक कम है, किसको ठीक मानना है पासबुक को, तो इसको नीचे लेके आना पड़ेगा, तो अब बताओ क्या हो गया, 5000 रुपीज़ माइनस होगा। समझ में आया नहीं आया, तीसरी ट्रांजेक्शन समझो, ये पक्का समझ आएगी। बैंक क्रेडिटेड 1000 एज इंटरेस्ट, बैंक ने क्रेडिट किया 1000 रुपये इंटरेस्ट, अभी मैंने ना पूरी राम कहानी सुनाई थी, हाँ बैंक क्रेडिट 1000 एज इंटरेस्ट, बैंक अगर क्रेडिट करता है पासबुक में मतलब बैंक बैलेंस बढ़ गया, आप सब कुछ छोड़ो क्या है, क्रेडिट डेबिट देखो बस, बैंक ने क्रेडिट किया मतलब बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक ने क्रेडिट किया मतलब पासबुक बढ़ गई, तो मतलब मेरी जो पासबुक है वो बढ़ गई 1000 से,
कैशबुक नहीं बढ़ी। अब किसको ठीक मानना है, पासबुक को, ये अपनी जगह रहेगी, तो कैशबुक ऊपर चल के आएगा कितना 1000। समझ में आई बात? यहाँ अपनी वो ट्रांजेक्शन्स लिख लेना सारी, आप जो भी आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड ₹500 फ्रॉम बैंक, ₹500 का इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट हुआ बैंक से, बैंक से डेबिट हुआ, पासबुक डेबिट होती है, बैंक से डेबिट हुआ, बैंक क्या बनाता है, पासबुक, पासबुक डेबिट हुई, बताओ, पासबुक डेबिट होती है, इसका मतलब बैंक बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, बैंक बैलेंस पासबुक में कम हो गया, ये पासबुक ले ली मैंने, पासबुक कम है, पासबुक में बैलेंस कम हो गया, दिस इज पासबुक फॉर मी, पासबुक में बैलेंस कम हो गया, कैशबुक वहीं है, किसको ठीक मानना है सर, पासबुक को, तो नीचे आएगा ये कितना 500। तो होपफुली आपको ये समझ में आया हमें क्या करना है, सिंपल है बेटा, आपको कुछ नहीं सोचना, जो बैलेंस आपको निकालना है उसको आप ठीक मानो और अकॉर्डिंगली आप प्लस माइनस करना शुरू करो। समझ में आई बात? तो आप देखो अब इसका बैलेंस कैसे निकालना होता है, ध्यान से देखना, यहाँ बच्चे गड़बड़ करते हैं। आप प्लस का पहले टोटल करो, 10 और 3 13 और 1 14, फिर माइनस का करो, माइनस का कितना 5500, प्लस माइनस 8500 प्लस का आया। ऐसे ही करोगे एग्ज़ाम के अंदर, सीधे बैलेंस मत निकाल देना, बहुत गंदी आदत है आप लोगों की। तो आपने लिखा बैलेंस एज पर पासबुक, जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, वो बच रहा है 8500, और प्लस का बच रहा है तो इसको हम बोलेंगे कि ये पासबुक का क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, क्योंकि अगर आप देखो क्रेडिट बैलेंस होता है पासबुक का प्लस का, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इन चीज़ों को अच्छे से कर सकते हो। तो आपको एक बार BRS का पूरा ओवरव्यू मिल गया, BRS कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, क्यों बनाना है, सारी बातें आपके दिमाग में डाल दी। ओवरड्राफ्ट है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सोचने का तरीका एकदम सेम रहेगा, बस पहली ट्रांजेक्शन प्लस की जगह माइनस में आ जाएगी और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी ओवरड्राफ्ट में भी सेम रहेगा। तरीका बहुत सिंपल है, जो गिवन है बैलेंस उसका अपोजिट निकालना है, और दूसरी चीज़ आपको जो इसके अंदर ध्यान रखनी है, जो निकालना है उसको ठीक मानो और आपका BRS तैयार, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। चलिए बच्चों, अब BRS के कॉन्सेप्ट आपको होपफुली सारा अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, कुछ प्रैक्टिस आई। बैलेंस एज पर कैशबुक हमें गिवन है, तो पहले अपना फॉर्मेट खींच लें, प्लस माइनस पर्टिकुलर्स, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट फॉर द पीरियड बिटवीन, जो भी है, ठीक है। बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, कैश बुक का डेबिट बैलेंस प्लस में जाता है, वेरी गुड, कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए आपको सारे। अब कैश बुक का बैलेंस गिवन है, आया ना, तो टू फाइंड, वेरी गुड, पासबुक, तो किसको ठीक मानना है, पासबुक को ठीक मानना है, पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। चेक इश्यूड ऑफ ₹50,000 बट ओनली ₹30,000 चेक्स आर क्लियर्ड, बड़े आराम से रिलैक्स होके हमने चेक्स इशू किए 50,000 के। अगर मैं इसको कैशबुक मान लूँ, ठीक है, और ये मेरी पासबुक है, ठीक है, दिस इज माई पासबुक, दिस इज माई कैशबुक, चेक इशू किए 50,000 के, तो ये 50,000 कम हो गया, बट बैंक बैलेंस सिर्फ 30,000 का कम हुआ, आया ना पक्का, दूसरे एंगल से देख लो, या मैं आपको लिख के भी समझा सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो कैश बुक है वो कम हुई 50K से, जबकि पासबुक हमारी कम हुई 30K से, आया ना, किसको ठीक मानना है, पासबुक को, तो कैश बुक से पासबुक पे आएंगे तो क्या कर देंगे, ऊपर की तरफ जाना है, आया ना, प्लस कर देंगे। तो आप वो पूरी स्टेटमेंट लिख लेना,
चलो एक लिख के भी दिखा देता हूं, चेक इशूड, शॉर्ट में भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉट क्लियर्ड, प्लस में कितना, सिर्फ 20,000 प्लस 20 के, ठीक है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी मैंने बनाया। नेक्स्ट है कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड 30,000 इन बैंक अकाउंट, तो हुआ क्या, इससे पासबुक बढ़ गई 10,000 से, कैशबुक वहीं खड़ी है, ठीक है। हमें किसको ठीक मानना है, पासबुक को, तो 10,000 पे प्लस कर देंगे, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स कितना 10,000, ठीक है। पेमेंट मेड बाय बैंक 10,000 एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, हमने बैंक को बोला हुआ था किसी को 10,000 की पेमेंट करने के लिए, बैंक ने कर दी, तो हमारा पासबुक कम हो गया 10,000 से, कैशबुक अपनी जगह पर ही, तो यहां से यहां पर आएंगे तो 10,000 पे क्या हो जाएगा, माइनस पेमेंट बाय बैंक एज पर इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट बैंक क्रेडिटेड 3,000 एज इंटरेस्ट, बैंक क्रेडिटेड, बैंक जब क्रेडिट करता है, मैंने आपको बताया क्या, बैंक जब पहले ही बताया था अभी निकम्मो, बैंक क्रेडिट करता है तो पासबुक बढ़ जाती है, बैंक डेबिट करता है तो पासबुक कम हो जाती है, तो बैंक ने क्रेडिट किया तो आपकी पासबुक बढ़ गई कितने से, 3,000 से, ठीक है, पासबुक, जबकि कैश अपनी जगह पर ही है, ठीक है। तो यहां से यहां तक आने में 3,000 पे प्लस हो गए, अमाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक, ठीक है। नेक्स्ट बैंक डेबिटेड 10,000 एज कमीशन, अपने आप सोचो सोचो सोचो, वेरी गुड, सही सोच रहे हो, बैंक ने कम कर दिए, डेबिट कर दिए, तो बैंक ने कम कर दिए, कैशबुक भी कम कर देंगे हम कितने से, 10,000, हाँ। बैंक ने गलती से, बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड चेक ऑफ अनदर कस्टमर इन आर अकाउंट, गलती से कर सही से कर हमें क्या मतलब है, हमारी पासबुक जो है वो बढ़ गई कितने से, 5,000 रुपए से, समझ में आया, कैशबुक अपनी जगह पर ही है, हाँ या ना, पासबुक बढ़ गए तो हम भी बढ़ा देंगे, रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक, भैया पासबुक ठीक है उसमें चाहे कुछ गलत भी हो रहा है तो भी ठीक है, मैंने बताया ना, तो कितना 5,000। पेमेंट टू राम बाय चेक ऑफ रुपीज 5,000 नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, कैशबुक में आपने रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ नहीं होता, पेमेंट करिए ना चेक से, तो हुआ क्या, कम हो गया 5,000 किस में, पासबुक में, हाँ या ना, कैशबुक में करना भूल गए, तो यहां से पासबुक को ठीक मान रहे माइनस कर देंगे, पेमेंट टू राम नॉट रिकॉर्डेड, कितना 5,000। अब मैंने आपको तरीका बताया था कि कैसे हमें बैलेंस निकालना होता है, और आप हमेशा वैसे ही निकालेंगे कितनी ही जल्दीबाजी में हो आप एग्जाम में, कभी कोई शॉर्टकट नहीं लगाना, शॉर्टकट लगाओगे फंसोगे। आप टोटल पॉजिटिव का बैलेंस देखो और टोटल नेगेटिव का देखो, टोटल पॉजिटिव है 1,18,000, नेगेटिव है 25,000, तो आपके पास 93,000 का पॉजिटिव बचेगा,
हाँ या ना, पक्का? तो पॉजिटिव बचेगा, फेवरेबल बैलेंस। क्या है ये? फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। और फेवरेबल बैलेंस पासबुक में होता है तो वो क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। तो आप लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक ठीक है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आपके पास बचेगा ठीक है। कितना बचेगा? 93,000 रुपीज। प्लस में लिख रहे हैं, माइनस में लिख रहे हैं, वो तो बैलेंस करने के लिए लिख रहे हैं, बट वो कौन सा बैलेंस बच रहा है पासबुक का? प्लस का बच रहा है तो फेवरेबल होता है, और पासबुक में फेवरेबल को हम क्रेडिट बोलते हैं, इसलिए लिखा बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। ये स्टेटमेंट जैसे मैंने आपको सिखाई थी लास्ट वीडियो में, वैसे ही आपने लिखनी है, कोई शॉर्टकट नहीं लगाना। शॉर्टकट लगाओगे खामखा फंस जाओगे। समझ में आ गया? पक्का? श्योर? चलिए फटाफट ये सारा नोट डाउन करिए। अब इसके बाद एक नया क्वेश्चन है आपके सामने, इसको करते हैं। आप कोशिश करिए पहले खुद, उसके बाद मैं करवाता हूं। चलिए देखते हैं। बैलेंस एज पर पासबुक ऑन 31 मार्च 80,000 डेबिट। बैलेंस एज पर पासबुक, एज पर पासबुक हमारा बैलेंस है और डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस होता है पासबुक में मतलब ओवरड्राफ्ट। कितना है? 80,000। ओवरड्राफ्ट आ गया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि कुछ नया होगा, मैंने आपको बोला था। आप नॉर्मल पासबुक, पासबुक का बैलेंस गिवन है तो किसका निकालना है? कैश बुक का। तो हम किसको ठीक मानेंगे? कैश बुक को ठीक मानेंगे ठीक है। चलिए कैश बुक के हिसाब से सोचना है। बैंक डेबिटेड रुपीज 1,000 एज कमीशन। डेबिट कर दिया बैंक ने, मतलब बैंक ने पासबुक में कम कर दिया, कैशबुक में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ठीक किसको मानना है हमें, कैशबुक को या पासबुक को? कैशबुक को ठीक मानना है। तो यहां से यहां पर आएंगे तो यही अमाउंट क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अमाउंट डेबिटेड बाय बैंक 1,000 ठीक है। इसके बाद बैंक क्रेडिटेड 8,000 रिसीव फ्रॉम कस्टमर थ्रू आरटीजीएस। आरटीजीएस से कस्टमर से 8,000 रुपये मिले थे, बैंक ने बैलेंस बढ़ा दिया तो पासबुक में आपके 8,000 रुपये पड़ गए। कैशबुक में कुछ भी नहीं हुआ। हमें किसको ठीक मानना है? कैशबुक को। तो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कितना? 8,000। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर ठीक है, शॉर्ट में लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट ऑफ रेंट बाय कैश ऑफ रुपीज 10,000 एंटर्ड इन बैंक कॉलम। मतलब समझे नहीं समझे? सोचो थोड़ा सा। कह रहा है रेंट की पेमेंट करी हमने, कितनी की? 10,000 रुपए की, कैश में पे करी, बट गलती से कैश बुक में हमने बैंक कॉलम में डाल दिया, मतलब हमारी कैश बुक हमारी कम हो गई। कितने से? 10,000 से। पासबुक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पासबुक अपनी जगह ही है। अब ठीक किसको मानना है? कैश बुक को। तो यहां से यहां जाएंगे, माइनस हो जाएगा। कितना? 10,000। देखो मानता हूं वो गलत क्या है, बट आपको इससे मतलब नहीं है, आपको ठीक मानना है किसको? कैश बुक को। यू हैव टू थिंक कि कैश बुक इज राइट। तो कैश बुक में 10,000 रुपए कम हो गए, हाँ या ना, क्योंकि बैंक कॉलम में एंट्री हो गई। तो पासबुक को भी कैश पे लाने तो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। रेंट पेड इन कैश रॉन्गली एंटर्ड। कितना था भाई? 10,000।
माइनस है ना। हाँ, अमाउंट रिसीव्ड इन कैश 4000 एंटर्ड इन बैंक कॉलम। लो जी, 4000 रुपये हमें कैश मिला और वो हमने कहाँ एंट्री कर दी? बैंक कॉलम में। मतलब हमने अपनी कैश को खड़े खड़े कामा का 4000 रुपये बढ़ा दी। पासबुक पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, पर ठीक किसको मानना है, कैश बुक को? वक्त चल रहा है इसका, तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 4000 प्लस अमाउंट रिसीव्ड इन कैश रॉन्गली एंटर्ड। देयर आफ्टर चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड रिकॉर्डेड ट्वाइस। लो जी, ये बड़ा सही क्वेश्चन आया। कह रहा है चेक हमने इशू किया कितने का, 20,000 का, तो उससे पहली बात तो कैश बुक हो गई कम और पासबुक अभी कम हुई नहीं। भाई चेक इशू किया आपने, कैश बुक क्या हो गई, कम हो गई, कितने से, 20,000 से। पासबुक अपनी जगह खड़ी है, आया ना। और सिर्फ 20,000 से नहीं, हमने इसकी एंट्री रिकॉर्डिंग ट्वाइस कर दी, मतलब दो बार 20,000, टोटल कितने कम कर दिए, 40,000 आया ना। और अभी पासबुक में कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो पासबुक से कैश बुक ठीक किसको मानना है, कैश बुक को, तो क्या करेंगे, 40,000 रुपये माइनस। समझ में आ गया, पक्का शो। तो चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड रिकॉर्डेड ट्वाइस, ठीक है, क्लियर है, चलो अच्छा। अब इसके बाद अगला पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, चेक रिसीव्ड एंड क्लियर्ड, रिसीव भी हुआ क्लियर भी हो गया, अच्छी बात है, कैश बुक भी बढ़ गई पास, ₹10,000 नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बाप रे, मतलब रिसीव हुआ क्लियर हो गया, पासबुक तो बढ़ गई कितने से, 10,000 से, कैश बुक में अभी एंट्री नहीं करी, और ठीक किसको मानना है, कैश बुक को। चल आ जा भाई, गिर जा, गुरुजी जैसा कहे। चेक क्लियर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, तो कितना था, 10,000। समझ में आया शो। चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 5,000 रुपया रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, चेक इज क्लियर्ड, ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, चलो देखते हैं इसको भी होगा, ये भी क्या किया आप लोगों ने, कुछ नहीं किया, इंतजार कर लो मेरा करने का, चलो रुको एक मिनट। फिर कह रहे हैं चेक रिसीव भी हो गया डेटर से, मतलब क्लियर भी हो गया, सब कुछ छोड़ा यार, पासबुक तो बढ़ गई ना, ये सब कुछ समझ में नहीं आया, तो क्या हुआ, पासबुक बढ़ गई 5,000 से, कैश बुक में क्या हुआ यार, चेक आता है तो कैश बुक में डेबिट साइड आएगा ना, नहीं डेबिट साइड आना चाहिए था, पैसा आ रहा है ना, और इन्हें डाल कहां दिया, क्रेडिट साइड, और निकम्मे ने डेबिट करने की जगह उल्टा क्रेडिट कर दिया 5,000 रुपये कैश बुक में। अब ये यहां खड़ी है पासबुक और कैश बुक यहां है, तो यहां से यहां आएंगे तो लो टोटल 10,000 रुपये माइनस होगा। समझ आया, अकाउंटेंट तुम्हारी तरह था, निकम्मो, डालना था क्रेडिट, डेबिट में डाल दिया क्रेडिट में, अब पासबुक बड़ी हुई और कैश बुक उल्टा कम हो गई, तो 5 की जगह 10 से एंट्री होगी। समझ में आया, पक्का शो। तो चेक क्लियर्ड
wrongly recorded. ठीक कर रहे हैं, 10,000 रुपए कम हो जाए. अमाउंट डिपॉजिटेड इन टू बैंक, बैंक में पैसे जमा करा है, बैंक में पैसे जमा करा है, बैंक में, ठीक है, बैंक में पैसे जमा कराए. कैशबुक में किस साइड आता है? डेबिट साइड आता है. वेरी गुड. बैंक में पैसे जमा कराए भाई, पासबुक पड़ गई. कितने से? अरे अमाउंट ही नहीं बताया. 1,000 ले लो, 1,000 रुपए. रिकॉर्डेड ट्वाइस ऑन क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम. देखो बेटा, बैंक कॉलम में, बैंक कॉलम मतलब कैश बुक का. तो देखो, जब भी बैंक कॉलम लिखा होता है, इसका मतलब होता है कैश बुक की बात हो रही है. कॉलम किस में होता है? कैश बुक में. तो क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम मतलब बढ़ाने थे 1,000, वो बढ़ाए तो नहीं, उल्टा डबल करके 2,000 रुपए कैश बुक में कम करती है. समझ में आई बात? क्योंकि देखो, डेबिट किए होते तो बढ़ते, उसने तो उल्टा क्रेडिट साइड लिखती. तो हुआ ये, यहां से यहां ते फर्क आ गया कितने का? 3,000 का. तो अमाउंट डिपॉजिटेड रॉन्गली एंटर्ड कितना? 3,000. समझ में आया? शो बैंक कॉलम लिखाओ जब भी, तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? वो कैश बुक की. अब आओ निकालो आंसर. वैसे निकालना है टोटल प्लस का और टोटल माइनस का, हमेशा ऐसे करना है आपको. 5,000 ही दिख रहा, सॉरी ये प्लस का 5,000. एक एक सेट, लेट मी चेक अगेन. 90, 98 और 40. हाँ, तो माइनस का बचेगा 1,56,000. माइनस का होता है अनफेवरेबल बैलेंस. कैश बुक में अनफेवरेबल क्या होता है? क्रेडिट. जी हाँ. तो बैलेंस एज पर कैश बुक बचा कौन सा? क्रेडिट का. कितना बचा? 156. होपफुली आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है मेरी. ठीक है, हमेशा प्लीज ये वाली चीज ऐसे ही निकालना, कोई और तुक्का लगाने की आपको जरूरत नहीं है. तो अब आप ये दो क्वेश्चन कर लिए अपने, मोर देन सफिशियंट फॉर प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू. अब आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो किसी बुक का, यू आर विल बी एबल टू डू इट. हाँ, एक चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है. कई बार 1 मार्क क्वेश्चन आ जाते हैं कि सपोज आपको यही क्वेश्चन गिवन है, बैलेंस एज पर पासबुक इतना, बैंक डेबिटेड रुपीज 1,000 एज कमीशन, बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट गिवन है 80,000, और नीचे उसने आपको दे दी यही वाली ट्रांजैक्शन, बैंक क्रेडिटेड रुपीज 8,000, नहीं सॉरी, फर्स्ट वाली बैंक डेबिटेड रुपीज 1,000 एज कमीशन. रुपीज 1,000 एज कमीशन, इसका क्या होगा? आप इसे टू इन बी आर एस
वन मार्क में पूछा जा सकता है. इट विल बी एडेड सब्ट्रैक्टेड. क्या होगा? तो देखो आप आते हुए गलत कराओगे. आप देखो ये माइनस में है और ये प्लस में हुआ, हाँ या ना? ये माइनस में और ये प्लस में, तो माइनस प्लस, ये माइनस में था और वो अगला प्लस में है, और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस. तो इसका आंसर क्या आएगा? सब्ट्रैक्टेड. आप ये मत दिखाना कि मैंने प्लस साइड लिखा है तो इसका आंसर एडिड होगा. नो, यू हैव टू सी माइनस प्लस माइनस. ऐसी अगली ट्रांजेक्शन दे देगा तो माइनस 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 प्लस, ये बात ध्यान रखनी है आपको. समझ में आई बात? देखो सेम वे, मतलब आप इसको यहां पर था, जैसे यहां पे प्लस प्लस में होगा तो प्लस ही रहता, कोई फर्क नहीं है, प्लस 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 माइनस माइनस. लेकिन यहां पर अगर माइनस का बैलेंस होता है तो आंसर करते हुए बड़े ध्यान से, अगर वन मार्क क्वेश्चन है तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल राइटिंग वेदर इट इज एडिड और इट इज सब्ट्रैक्टेड. वेरी इंपॉर्टेंट वन मार्क क्वेश्चन. समझ पाया? आया ना? सपोज इसी का दिया होता अगली वाली का, क्या कस्टमर वो जो था आरटीजीएस वाला, बैंक क्रेडिट रेट 1000, बैंक क्रेडिटेड रुपीज 8000, रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर थ्रू आरटीजीएस. तो अब आप देखो एक अमाउंट माइनस का है 80,000, और इसकी हमने एडजस्टमेंट क्या की थी? माइनस में की थी 8. तो आप सब्ट्रैक्टेड नहीं लिख के आओगे, माइनस माइनस क्या हो रहा है? प्लस. तो यू विल राइट नाउ एडिट. समझ में आ गया? श्योर. तो वन मार्क में भी कैसे आंसर करना है वो भी बता दिया, बट बनाना आपको वैसी है जैसे सिखाया था. ठीक है, तो दिया आपका BRS जो है वो कंप्लीट होता है इसी के साथ. चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट BRS का, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टेड कैश बुक. एडजस्टेड कैश बुक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे है, बड़े आराम से देखना है, एंड 100% प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकली अगर आप BRS देखें तो इसी तरीके से बनती है. तो क्या है, आइए जरा देखते हैं. देखिए जितनी भी एरर्स होती हैं उसको हम ब्रॉडली तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स. जितनी गलतियां हो जाती हैं BRS में जो हमें करेक्ट करनी होती हैं उसको मैं ब्रॉडली तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देता हूं. फर्स्ट, एरर्स बाय बैंक. जैसे बैंक ने कोई अमाउंट रॉन्गली डेबिट कर दिया या बैंक ने कोई अमाउंट रॉन्गली क्रेडिट कर दिया, रॉन्गली डेबिट बाय बैंक, या रॉन्गली क्रेडिट बाय बैंक. इसकी पहचान यही होती है, लिखा ही ऐसे होता है, रॉन्गली डेबिट बाय बैंक, रॉन्गली क्रेडिट बाय बैंक. ठीक है. सेकेंड, एरर्स ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस. लाइक चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड, या चेक डिपॉजिटेड बट
नॉट क्लियर, तो जो प्रोसीजरल टाइम है वो तो लगने ही लगना है उसमें, ना आप कुछ गलती है ना इसमें बैंक की गलती है। हाँ या ना, तो ये होती है टाइमिंग डिफरेंस की एरर। अभी आप एरर समझो, पहली थी एरर्स बाय बैंक, सेकंड थी एरर्स ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है, और थर्ड होती है एरर्स बाय क्लाइंट। क्या हो रहा है भाई इस कलम को, क्लाइंट की एरर मतलब जैसे हमने अपनी कैश बुक के अंदर कोई आइटम गलती से डबल बार डेबिट कर दी, दो बार क्रेडिट कर दिया, डेबिट की जगह क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट की जगह डेबिट में लिख दिया, कोई एंट्री डालनी थी नहीं डाली, तो ये सारी गलतियां किसकी होती हैं, क्लाइंट की होती हैं, ठीक है, कस्टमर की होती हैं, एरर बाय क्लाइंट या एरर बाय कस्टमर। पेन चेंज कर लेता हूं, लाइक अमाउंट रिकॉर्डेड ट्वाइस या अमाउंट रिकॉर्डेड ऑन रॉन्ग साइड या अमाउंट नॉट रिकॉर्डेड, ये सब हमारी गलती है, हमारी ना इसमें बैंक की गलती है ना ये टाइमिंग डिफरेंस। समझ में? इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल जो देता है वो कंफ्यूज करने के लिए आपको, बैंक डेबिटेड रुपीस 10,000 बट नो एडवाइस रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। बैंक ने 10,000 रुपये डेबिट कर दिए बट बैंक से हमें इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो इसमें बैंक की गलती नहीं हमारी गलती है, हमें पासबुक को डे टू डे अपडेट करवाना होता है। समझ में आई बात? तो बैंक की गलती की पहचान सिर्फ एक ही है, क्या रॉन्गली डेबिट या रॉन्गली क्रेडिट, अगर ये वर्ड लिखे हुए हैं तभी बैंक की गलती है, अदरवाइज बैंक की गलती है ही नहीं। टाइमिंग डिफरेंस की सिर्फ ये दो हैं, इसके अलावा जितनी गलतियां हैं वो सारी की सारी गलतियां जो हैं वो कस्टमर की हैं, वो बैंक या टाइमिंग डिफरेंस की। खासकर ऐसे जब लिखता है बैंक नो एडवाइस रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, आपको लगता है बैंक की गलती है, अरे बैंक की क्या गलती है भाई, आपको जाना चाहिए था पासबुक अपडेट करानी चाहिए थी। तो तीन तरह की एरर्स हो सकती हैं। सबसे पहले अब कैसे एडजस्टेड कैश बुक का कॉन्सेप्ट आता है, ध्यान से देखिए। देखिए इसमें से जो एरर बाय कस्टमर है वो हम ठीक करते हैं एडजस्टेड कैश बुक में, और जो एरर्स हैं एरर्स बाय बैंक या एरर्स ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस वो हमारी कहां जाती हैं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में। जितनी भी कस्टमर की एरर है वो कहां जाएंगी, एसीबी में, एडजस्टेड कैश बुक में, और एरर बाय बैंक या एरर बाय ड्यू टाइमिंग डिफरेंस है वो बीआरएस। क्या है ये एडजस्टेड कैश बुक सर, हैं जब से बोले जा रहे हो आप? बहुत सिंपल है, कैश बुक की तरह ही बनती है। मैं एक एग्जांपल से आपको सारी बातें समझाता हूं। इसमें सबसे पहली चीज, हमेशा आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर एडजस्टेड कैश बुक उसने पूछी है क्वेश्चन में, सपोज ये है 10,000, उसने आपको बोला चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड रुपीज 1,000 अमाउंट रॉन्गली डेबिट बाय बैंक,
8,000। उसके बाद उसने बोला अमाउंट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर डायरेक्टली इनटू बैंक 10,000। चेक इशूड एंड क्लियर्ड 8,000। चलिए, ये आपको क्वेश्चन दिए, आपको बोला प्रिपेयर BRS एंड एडजस्टेड कैश बुक। घबराना नहीं आपको। सबसे पहला काम आप ये देखो कौन सी एरर बैंक की है, कौन सी कस्टमर की और कौन सी ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस। चेक इशूड बट नॉट क्लियर, वेरी गुड, टाइमिंग डिफरेंस की एरर है। अमाउंट रॉन्गली डेबिट किसकी है, बैंक की। आप सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस और बैंक की देखो है, यानी बाकी तो सारी कस्टमर की होगी। अमाउंट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर डायरेक्टली इनटू बैंक हमारी है। अरे निकम्मो, कहीं लिखा है रॉन्गली डेबिट रॉन्गली क्रेडिट, कहीं लिखा है कि टाइमिंग चेक इशूड नॉट क्लियर डिपॉजिट नॉट क्लियर। आपकी गलती, आप जाके पासबुक अपडेट नहीं करवा रहे। मैंने बोला जो टाइमिंग डिफरेंस और बैंक की ये स्पेसिफाइड है, उसके बाद जितनी वो सारी कस्टमर की। चेक इशूड एंड क्लियर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इशू भी हो गया क्लियर भी हो गया, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, किसकी गलती है, कस्टमर की। तो यहां पर ये दो जाएंगी ACB में और ये कहां जाएंगी PRS में, मैंने आपको बताया था। अब कैसे बनना है ध्यान से देखो। एडजस्टेड कैश बुक, जैसे आप नॉर्मल कैश बुक बनाते हैं वैसी बनेगी। एडजस्टेड कैश बुक, बस इसमें जो डेबिट है और ये क्रेडिट, आप समझ लो डेबिट आपकी प्लस साइड है और ये माइनस, अप कर लो क्वेश्चन पूरा बिना टेंशन के। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, अब बताओ आपको क्या गिवन है। बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, डेबिट बैलेंस इज ऑफ प्लस का, तो प्लस साइड लिख दिया आपने यहाँ बैलेंस BD। कितना है 10,000, ठीक है। अब एडजस्टेड कैश बुक में ये दो एंट्री जानिए बस। अमाउंट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर डायरेक्टली इनटू बैंक, पासबुक बढ़ जाएगी कितने से, 10,000 से। कैश बुक अपनी जगह है, किसको ठीक मानना है, कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो पासबुक को ठीक मानते हैं। तो यहां से यहां जाएंगे, प्लस में 10,000 लिख देंगे, तो यहां लिखोगे आप वही ट्रांजेक्शन अमाउंट डिपॉजिट। अमाउंट नरेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, ठीक है, कितना 10,000 रुपये, समझ में आया। शो, अब थोड़ी सी यहाँ पे आपको इज्जत से लिखना है, जैसे आप नॉर्मल लिख देते थे वैसे नहीं, कैसे ध्यान से देखिए। कस्टमर है डेटर, देखो आप बुक्स में कर रहे हो, उसकी क्रॉस एंट्री होती है, समझ में आया। शो, नेक्स्ट चेक इशूड एंड क्लियर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कितना 8,000 रुपए, तो पासबुक तो कम हो गई होगी, इसको ठीक भी मानना है, कितने से 8,000 से। कैश बुक अपनी जगह है, अब यहां से यहां पर आएंगे तो माइनस करते हैं। अब चेक किसको देते हैं, क्रेडिटर को देते हैं, हाँ या ना, तो यहां मैं लिख दिया क्रेडिटर, कितना 8,000, समझ पाया। शो, अब यहां पर आपने एडजस्टेड कैश बुक पूरी करी, ये आपका क्या निकला बैलेंस CD,
दस और दस बीस, यहाँ पे बचा कितना 12,000। तो ये आया आपका बैलेंस पीडी कितना 12,000 रुपए। अब इस बैलेंस के साथ आपकी बीआरएस बनना शुरू होगी। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्लस माइनस पर्टिकुलर्स बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, डेबिट बैलेंस है प्लस में लिख देंगे 12,000 रुपए। कुछ नहीं किया, अब एसीबी वाला जो था वो एसीबी में एडजस्ट कर दिया। समझ में आया शो, वहां से बैलेंस है का। अब बीआरएस बना लो आप जैसे बनाते हो। चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड 1,000, पासबुक बड़ी हुई है, कैश बुक कम हो रखी है, किसको ठीक मानना है पासबुक को, तो प्लस कर देंगे कितना 10,000। होपफुली अब आपको ये सारी बातें मेरी समझ में आती हैं, बहुत प्रैक्टिस कर लिया आपने अब तक। चेक इशूड बट Not cleared। उसके बाद अमाउंट रॉन्गली डेबिट बाय बैंक, बैंक ने कम कर दिया, पासबुक को ठीक मानना है माइनस कर देंगे अमाउंट रॉन्गली डेबिट बाय बैंक। तो अब आप प्लस का देखेंगे 22,000 है, माइनस का 8,000, तो प्लस का बैलेंस बचेगा 14,000। इसे हम फेवरेबल बोलते हैं पासबुक में, तो फेवरेबल पासबुक में हमारा क्रेडिट होता है, ठीक है। तो ये बचा हमारा 14,000 बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, कितना हो गया 14,000, ठीक है फेवरेबल। तो आपने देखा अगर एडजस्टेड कैश बुक है तो घबराना नहीं है, जो भी क्वेश्चन है उसमें पहले आइडेंटिफाई कर लिया, फिर एसीबी बना दी उसके बेसिस पे, फिर जो बैलेंस निकला उससे बीआरएस बना लिया। एक्चुअली ये जो एडजस्टेड कैश बुक होती है ना, ये क्यों बनाई जाती है, क्योंकि इसमें जो बैलेंस निकलता है ये हम शो करते हैं बैलेंस शीट में। जो बैलेंस शीट के अंदर आपका बैलेंस शो होता है कैश का, वो ये होता है, सॉरी बैंक का। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार एक नंबर में, बैलेंस या बैंक बैलेंस शोन इन बैलेंस शीट इज एज पर, बताओ किसके होगा। आ गया 1 मार्क का क्वेश्चन, कैश बुक, पासबुक या एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक, तो आंसर आपका है एडजस्टेड कैश बुक। जो बैलेंस बैलेंस शीट में बैंक का दिखाया जाता है वो कौन सा होता है, एज पर एडजस्टेड कैश बुक। इसलिए मैंने आपको कहा था सबसे प्रैक्टिकल है, क्योंकि देखो इसमें जितनी एरर क्लाइंट की हो रही है, जो कस्टमर की हो रही है, ये बेसिकली दीज आर नथिंग बट द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो कि हम वैसे भी करते हैं अपनी बुक्स में, हाँ है ना, इसीलिए बैलेंस दिखाया जाता है। चलिए तो होपफुली आपको एडजस्टेड कैश बुक को पूरा का पूरा क्लियर है। कुछ नहीं है, सब कुछ सिंपल, सिर्फ हमें बाइफरकेट करना है, उसके आगे लिख देना है ये एंट्री एसीबी में जाएंगी, बाकी बीआरएस में। अपना एसीबी बनाया, उसके बाद बीआरएस बना दिया, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब आप अपनी बुक में जो बैक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्सरसाइज के, वो कर सकते हैं, प्लस इलस्ट्रेशंस कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन बैक से चालू होइएगा 10987 का, ठीक है। कोई भी मटेरियल आपके पास, यू कैन स्टार्ट विद दैट।